सदा यही त्रासदी रही है। बेहद मासूम लोग, बेहद चलाक लोग के हिस्से में आए, प्यार कभी उनके हिस्से में नहीं आया जिनको चाहिए था। फिर इसी बात को शायर ये गद्य में बयां करती हैं, फिर पद्य में जब शायर जाता है तो मुनव्वर राना बनकर कहता है कि जो हुक्म देता है वो इल्तजा भी करता है, ये आसमान कहीं पर झुका भी करता है। तू बेवफा है तो ले एक बुरी खबर सुन ले, इंतजार मेरा दूसरा भी करता है। और हसीन लोगों से मिलने में ऐतराज ना कर, अब यहां से तालियां उठाइएगा कि हसीन लोगों से मिलने में ऐतराज ना कर, ये जुर्म वो है जो शादीशुदा भी करता है। फिर उसके बाद भूम क्या मना रहा हूं, क्योंकि प्रेम के एक ऐसे कवि के पास चल जा रहा हूं जब आप लोग झूम उठेंगे। फिर उसके बाद जहां से कहते हैं शायरी खत्म हो जाती है, किसी विषय पे जब शायरी खत्म हो जाए तब शादाब आजमी बनकर शायर कहता है, जब प्रेम में होता है अलगाव होता है तो वो कहता है कि बहुत रोती हैं आंखें इसलिए दामन मेरा नम है। मेरे प्रतापगढ़ के मोहतरम लोगों, आपको इससे अच्छा शेर अब मेरे पास नहीं है कि बहुत रोती हैं आंखें इसलिए दामन मेरा नम है, तुझे अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। बहुत रोती हैं आंखें इसलिए दामन मेरा नम है, तुझे अपना नहीं पाया मुझे इस बात का गम है। मैं खुद को बेच भी डालूं तो तुझको पा नहीं सकता, मैं एक निर्धन का बेटा हूं मेरी कीमत बहुत कम है। जोरदार तालियां बजाइए आदरणीय चंद्रकांत त्रिपाठी चंद्र जी के लिए, तालियां कमजोर है आप लोगों की। आज का ये मंच इतने उच्च कोट के कवियों से अलंकृत है कि वर्णन करने लायक नहीं है, अवर्णीय है। और हमारे इस सभागार में उपस्थित समस्त दर्शकों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, हमने ये देखा इतनी देर बैठ करके कि प्रेम की शायरी को जो स्थान है किसी को नहीं है। जी सर, लोगों ने बहुत उन शायरियों को बहुत अपनी मोहब्बतों से नवाजा है, तो मैं तो करता ही मोहब्बत की शायरी हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। देखिए, शुरुआत मैं कर रहा हूं, ध्यान दें, उन नौजवान लोगों के लिए है कि आजकल के नौजवान बहुत तेज हैं, लेकिन हो सकता है उनके लिए ना हो, लेकिन हमारी उम्र के जो नौजवानी अपनी बिता चुके हैं ये उनके लिए है, क्योंकि ऑलमोस्ट ज्यादा वही इस यहां पे संख्या में है। सुने, किसी के नाम का जज्बात अभी बाकी है, किसी के नाम का जज्बात अभी बाकी है, हाथ में हाथ की सौगात अभी बाकी है। देखें विडंबना, देखें नायक और नायिका की विडंबना, देखें लरजते होठों से होठों का मिलन हो कैसे, इंतजार किस चीज का है देखिए, लरजते होठों से होठों का मिलन हो कैसे, किसी के नाम की बारात अभी बाकी। वाह वाह वाह, ये चार लाइनें बहुत लोगों को समझ में आई और बहुत इस पे सुने। एक चार लाइनें हमने लिखा था, ये जिस किसी के लिए लिखा था उनको सुनाया जब, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां ये शेर पढ़िए, जहां जहां कवि सम्मेलन में जाइएगा ये शेर जरूर पढ़िएगा। जी सर, स्वागत। ये चार लाइनें आपको समर्पित हैं। हर हकीकत लिए हर कहानी लिए, हर हकीकत लिए हर कहानी लिए, तेरे गलियों की सारी निशानी लिए। क्या कहने सर, ढूंढता फिर रहा उम्र सारी तुम्हें, इन आँखों में तेरी जवानी। क्या कहने सर, थोड़ा माइक से दूर रहे तब आवाज सही आएगी। चार लाइनें हैं,
आपको सुनाता हूं। देखिए ये स्थिति देखिए कि बहते आंसू जरूरी नहीं गम के हो, ये चार लाइनें हम अपने आयोजक बिकट जी को समर्पित करता हूँ। स्वागत है। बहते आंसू जरूरी नहीं गम के हो, क्या पता आंख खुशियों से भर आई है, वाह, जिसके दीदार को वो तड़पता रहा, क्या पता आज बाहों में वो आई हो। क्या कहने चार लाइनें और सुने, उसके बाद एक गीत सुनाऊंगा आपको। देखिए जी सर, प्रेम की क्या स्थितियां हैं जी सर। प्रेम की डोर खींचो चला आऊंगा, हर आदमियों के लिए है। प्रेम की डोर खींचो, नारी जाति पुरुष की हरदम से कमजोरी रही है। पुराना इतिहास देख लीजिए, नया इतिहास देख लीजिए, मध्यकालीन इतिहास देख लीजिए, हर जगह की स्थिति है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बिल्कुल सर। प्रेम की डोर खींचो चला आऊंगा, फिर चरागे मोहब्बत जला जाऊंगा। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है इसमें, आदमी हर चीज जानता रहता है, उसके बाद भी क्या स्थिति होती है कि दिल मेरा आसना फिर भी तेरे लिए, जबकि मालूम मैं एक दिन छला जाऊंगा। स्थितियां है इसके बावजूद भी चीज है। देखिए आपको एक गीत सुनाता हूँ जी सर, ये गीत काफी लोगों ने पसंद किया। आज हमारी हालत क्या है कि कहावत जौन रही कुलरिम धार लेगे मुसई लोहार, बहुत बढ़िया आवाज थी हमारी, ऊपर से जुकाम हो गया है। सुने न मिलते ये आंसू, न मिलते ये गम, न मिलते ये आंसू, न मिलते ये गम, अगर हम मोहब्बत न करते सनम। सब कुछ जानते हुए भी बन सुने, उसकी नहीं मुझ पे होती इनायत, गमे जिंदगी से न रहती शिकायत, न करते ये वादे न खाते कसम, अगर हम मोहब्बत न करते सनम। बंद दूसरा, तस्वीर आंखों, देखिए ये बहुत यथार्थ लिए हुए पंक्तियां हैं जी सर। तस्वीर आंखों में जिसकी बसाया, उसी को न हंसना मेरा रास आया। क्या कहने सर, क्या न होती ये ख्वाहिश मिले हर जन्म, अगर हम मोहब्बत न करते सनम। क्या कहने अगला बंद है जी सर, स्वागत है। बागों में फूलों में मैं भी महकता, बागों में फूलों में मैं भी महकता, आजाद पंछी समय भी चहकता, न रहते ये बंधन न सहते सितम, अगर हम मोहब्बत न करते सनम। क्या कहने, इस गीत का अंतिम बंद है, इरादे हमारे न रहते अधूरे, इरादे हमारे न रहते अधूरे, जो देखे थे सपने वो हो जाते पूरे। क्या कहने सर, नयू रूठ जाते हमारे करम, अगर हम मोहब्बत न करते सनम। क्या कहने, देखिए ये गीत पूरा हो गया, अगर इजाजत हो तो एक गीत और पढ़ दूं। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे हेम चाचा जी का बड़ा पसंदीदा गीत है ये जी। मैं तुझे प्रेम का गीत कैसे लिखूं, ये हमारे बिकट जी का भी बहुत पसंदीदा है। मैं तुझे प्रेम का गीत कैसे लिखूं,
मेरे हमदम तुझे मीत कैसे लिखूं, क्या कहने क्या कहने, मेरे हमदम तुझे मीत कैसे लिखूं, इश्क शहमत का खेल ही जब नहीं तू बता दे तेरी जीत कैसे लिखूं। बंद सुने बंद जी 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 स्वागत है। आईने की तरह मैं खतावार हूँ, क्योंकि मैं सत्य का ही तलबगार हूँ। क्या कहने, तेरे होठों से सरगम नदारत है जब तुझको लयबद्ध संगीत कैसे लिखूं, मैं तुझे प्रेम का गीत कैसे लिखूं, मेरे हमदम तुम। पीछे हमारे मित्र लोग बैठे हुए हैं, अब नाम नहीं लूंगा, अभी बाद में लूंगा। बन सुने, तेरे दिल में मचा है कोई द्वंद क्या, प्यार का गीत कोई पढ़ूं छंद क्या, मिलना मेरा तुझे याद तक जब नहीं तुम मेरी हो मैं ये प्रीत कैसे लिखूं, मैं तुझे प्रेम का गीत कैसे लिखूं। देखें सुने आप अगला बंद है। ये गगन आज छोटा मुझे लग रहा, क्या कहने, ये गगन आज छोटा मुझे लग रहा, चांद जाने मगर क्यों बुझा लग रहा है, चांदनी दो दिया सी कहाँ खो गई, अब बदन तेरा नौनीत कैसे लिखूं, मैं तुझे प्रेम का गीत कैसे। सबसे अच्छे बंद पे सबसे कमजोर तालियां आई है। अंतिम बंद है। कोई खुशबू फिजाओं में महकी हुई, एक कली लग रही आज बहकी हुई, प्रेम अनुबंध भौरों का कलियों से जब इस रसम को नई रीत कैसे लिखूं, मैं तुझे प्रेम का गीत कैसे लिखूं, मेरे हमदम तुम्हें मीत कैसे लिखूं।